आज हम बनवाएंगे बहुत ही स्पेशल सा गुड़। बढ़िया रहेगा। जब मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? खाना बनाना आता है? नहीं। फिर क्या करेगा शादी करके? कल को कुछ गड़बड़ होगी तो मुझे कह देगा अंकल जी आपने कहा था मुझे शादी करनी चाहिए। ये है गन्ने का ताजा रस। सारी मिठाई फेल। मुँह फनी आ रहा आज। कैसे बन रहे? लाजवाब। राम राम जी। कैसे हो सभी? नमस्कार अंकल जी। ने आज मुझे 5:30 बजे उठा दिया, लेकिन क्यों उठाया मुझे नहीं पता। अब तो बता दो। आज जा रहा हूँ दीपावली की तैयारी के लिए। दीपावली हमारे हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक त्योहार है जी। कई दृष्टियों से ये महत्वपूर्ण है। पहला रीजन है दीपावली श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है जी। लक्ष्मी जी का पूजन होता है। अब एक बात बताइए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है हमारे लिए? हाँ, कि हमारे घर श्री राम जी आएंगे, लक्ष्मी जी आएंगी, तो जाहिर है तैयारी भी उसी के अनुसार होनी चाहिए। यस। तो आज हम बनवाएंगे एक बहुत ही स्पेशल सा गुड़। बढ़िया रहेगा। गजब। मुझे आपसे पूछना है कि मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? शादी क्या सोच रहा तू? नहीं सोच नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि करनी चाहिए नहीं चाहिए। खाना बनाना आता है? नहीं। आता नहीं? नहीं। घर की साफ सफाई? नहीं। फिर क्या करेगा शादी करके? कोई क्यों? कौन को लाएगा उसे? तू क्या सोच रहा था? तुझे खाना खिलाओगे बनाओगे? ये मैं सोच रहा था कि शादी जाए तो सही रहेगा, लेकिन आपसे पहले एक बार सलाह लेना चाह रहा था, मैं पूछ रहा था बस। अरे बात सुन जी। दो चार अपने दोस्तों के घर जा। हाँ जी। है ना जी। और बता के मत जाइए, बिना बताए जाना, और मैं टाइम भी बता रहा हूँ किस टाइम जाएगा जी। बिना बताए जाना लगभग 7-8 बजे के करीब शाम को। शाम के टाइम? हाँ जी। या फिर सुबह सुबह जाना जी। और उनकी हालत देखना और फिर फैसला कर लेना खुद ही कि जो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपका कहने का मतलब है हाँ, शादी अगर की हाँ तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। हाँ। और अगर ना की तो उससे बड़ी गलती, फिर मैं क्या करूँ? ये तो मैं फंस गया ना। फिर तो मैं फंस गया। अरे शादी वो लड्डू है जी, जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो तो पछताए। वो भी पछताए। हाँ। तो भाई मैं इसमें अब तू मुझे फंसा रहा है। तू मेरे से पूछा मैं शादी करनी चाहिए? हाँ जी। कल को कुछ गड़बड़ होगी तो मुझे कह देगा अंकल जी आपने कहा था मुझे शादी करनी चाहिए। जी। और मैं तुझे कह दूं नहीं करनी चाहिए? हाँ जी। तो तू कहेगा अपने आप तो करी फिर मुझे मना करे। तो मैं मना क्यों करूं? मैंने तुझे रास्ता बताया, दो चार लोगों को तू देख ले जाके। सही कह रहे हो। और वो उसके बाद ऐसा है ना, कुछ प्रैक्टिकल देख। मतलब इससे के बारे में तो मुझे बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। और क्या, पहले सीख ले काम नाम, पहले खाना बनाना सीख, घर के काम सीख, तब शादी करूं। तब सोच ना, तब सोचू। हाँ। और क्या, एक चीज दिखाता हूँ आपको, आप भी हैरान हो जाओगे शायद। ये स्टीयरिंग देखो, हैंड्स देखो, अंकल जी को देखो, और ये सामने गली देखो। ये तो बात चौड़ी है, पीछे बहुत नैरो थी। कैसे अंकल जी, कैसे भैया? ऐसा है, कुछ पाना है जी तो कष्ट तो उठाना पड़ेगा। हाँ जी। क्योंकि अगर हम कुछ अच्छी चीज पाएंगे जी, दरअसल यहाँ जहाँ हम जा रहे हैं ना जी, यहाँ पर मुझे फ्रंट का सबसे अच्छा गुड़ बनता है। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ आपकी ड्राइविंग की। वो क्या? क्या अभी पीछे इतनी बारीक सी गली गई। हाँ। अब मैंने क्या देखा जाता है, आदमी क्या करते हैं कि पीछे देखेंगे, आगे देखेंगे, साइड में देखेंगे, इधर देखेंगे। हाँ। तो बचा के निकल लेंगे। हाँ। आपने सिद्धि निकाल दी। अब
अभ्यास 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 एक ऐसी चीज है, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है कि वो आपको जजमेंट के लिए प्रेरित करती है। बहुत टाइम हो गया यार मुझे गाड़ियां चलाते हुए, मुझे गाड़ी चलाते हुए मुझे लगभग 35 साल हो गए, 35 years। अब देखो दोस्तों कैसी गली आ रही है, ये तो बहुत चौड़ी है, ये नैरो कहाँ है, ये तो बहुत चौड़ी है। एक बार क्या था दोस्तों, सोरम गांव में गए थे हम, देखो वहां पे ऐसी गली फंसी, इतनी बढ़िया गली फंसी थी, मतलब वहां पे बैक भी करने की जगह नहीं थी सिर्फ दो बार में वहां से गाड़ी निकली और बैक ही लेके आए हम वहां से, टोटल गाड़ी को बैक करना पड़ गया। यहाँ पे आ चुके हम गोलू में, यहाँ पे बनवाएंगे अंकल जी गुड़ और सामने कर दिया गाड़ी पार्क। हाँ भाई अंकल जी, ये तो वही कोल्लू है ना सर जहाँ पे हम पिछली बार भी आए थे? यही है, गुड़ भी खाते हैं, चिड़िया भी गुड़ खाती है। ये है गन्ने का ताजा रस, बिल्कुल फ्रेश है, हाथ के हाथ निकला, बेहतरीन, एंजॉय। वाह पल्ली साइड में कर दो, ये करवा दो, ये तो तुमने तो, अरे तो मिला होगा अभी, ये तो सब मिल जाएगा, तो अब दे, अब दीजिए दो भाई, ये तो मिला होगा भाई, अच्छा मिला होगा, और मिला होगा नहीं तो अल्टा पलटी इसकी पता नहीं कितनी बार होगी। ये देखिएगा इस पर ड्राई फ्रूट पड़ रहे हैं, देखिएगा, और अब ये गोले का जो है ना पाउडर, गोले का बुरादा इस पर डाला जा रहा है, देसी घी है, ये सब चीज इसमें मिलाई जा रही है। अभी सूट को जो भी खाएगा वही याद करेगा। हाँ कद्दू कतली फेल, हाँ सारी मिठाई फेल, सारी मिठाई फेल सारी मिठाई फेल। तो देखो और कितना मस्त होता जा रहा है, ये सेम वो बोलते हैं गुड़ चक्का, गुड़ चक्का, गुड़ चक्का, यस गुड़ चक्का, ऐसा हो गया बिल्कुल बिल्कुल, ये गुड़ चक्का हो गया भाई। कुलदीप हाँ जी सर, मुँह पानी आ रहा, हाँ जी मुँह जी कर रहा, खाने खाने को जी कर रहा जी, मतलब कल मैं तो बोलते रह गया मुझे नहीं खाने दिया अंकल जी ने, मैं तो खा लेता, नहीं किया दी यूं मारता पंखे वो है था ना दूध पे बिल्ली का पैरा ये सुमित जो है बिना खाए कुछ करता नहीं, और क्या तो एक दिन कह रहा था अंकल जी आपके साथ धोखा हुआ करता तो मैं खा के भी नहीं कुछ अब ये ओवर टाइट हो गया इसका, हो गया अभी ये जब ये चक्के उतर रहे थे तो कुलदीप भैया कह रहे थे कि बर्फी के शेप में क्यों नहीं कट रहे, अब अंकल जी ने इन्हीं से बर्फी बनवा दी अब बन रही है बर्फी, क्यों भैया कैसे बन रहे लाजवाब, इसके मुंह में लार आ रही ले खा के बताओ आप कैसे लग रहा, टेस्टी बिल्कुल एक नंबर, गजब पैक हो रहा है, देखा बिल्कुल मिठाई की तरह, सफाई का देखिए कितना ध्यान है जी, ऐसे ही पैक होके बाहर जाता है यहाँ से, हाँ जी
अब बन रहा है दूसरी बार, क्योंकि ये टोटल दोनों पेटी भर के जाएंगी ना। और ये काम अंकल जी अपने सामने करा रहे हैं, खाने पीने के मामले में अंकल जी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। हम आए थे यहाँ पे 9:40 पे। यस। और अभी टाइम क्या हुआ है? 11:11 इतनी जल्दी गुड़ तैयार कर दिया? नहीं, पहले मैंने फ़ोन कर दिया था, अभी भेजा था, पूछो उनसे बात की थी मैंने फ़ोन पे। अच्छा, और क्या क्या आपने बहुत जल्दी कर दिया। हाँ जी। स्पीड से तुझे दिखा भी दिया। हाँ जी, आज मैंने देख लिया सब बंद होगा। अब मैंने देख लिया बंद होगा। ठीक है। हाँ जी। अब तो ठीक है। अरे अपना वो सामान देगा। अब मेरा नहीं जरूरत है। ये जा रही है भाई देसी सवारी। झोटा बुग्गी। अंकल जी आपने चलाई है कभी देसी सवारी? बिल्कुल चलाई है। झोटा बुग्गी? यस। मैं किसान का लड़का हूँ, जमीन है हमारे यहाँ, हम खेती करते हैं, आज भी किसान है जी। अच्छा, आपके टाइम के आप मुझे कोई पुरानी बात बताओ, जो भी आपके यादगार पल हो, जिसे ऑडियंस को मजा आए सुनने में आज। पुराने टाइम की जी। किस तरह की बात जानना चाहेंगे? जैसे कुछ आपने स्ट्रगल किया है, क्योंकि कोई भी यकीन नहीं करता कि आपने कभी खेती बाड़ी में काम किया होगा, झोटा बुग्गी में चलाई होगी, ऐसे कुछ देसी। मैंने झोटा बुग्गी चलाई है, मैंने हल चलाया है, मैंने मैं तुम्हें कुछ चीज बताता हूँ, मैंने रहट चलाया है। रहट पता किसे कहते हैं? वो क्या होता है? रहट होता है, पहले ट्यूबवेल नहीं थे, कुओं से पानी निकाला जाता, कुएं से तो एक चेन बनाई जाती थी डब्बों की, कनस्तरों की चेन बनती थी। देखो तुम्हारी जरा मैडम का फोन आ गया है, एक मिनट के लिए जरा सुन ले जी। तो रहट चलाया है और मैंने दाएं चलाई है। दाएं वो क्या होता है? दाएं उसे बोलते थे, पहले थ्रेशिंग की मशीन नहीं होती थी जी। ये तो अभी आने लगे ना सब कुछ। हाँ जी। पहले जो अनाज वगैरह उठता था तो दाएं से उठता, दाएं उसे बोलते हैं, जैसे हमने उड़द लिए और उसे एक जगह उसका चट्टा लगा दिया उसके जी पेड़ से, है ना। हाँ जी। उसकी जो बेल होती थी जी, सब एक जगह चट्टा लगा दिया जी, सरसों का, इसका, उसका, और फिर उनके ऊपर जानवर चलाए जाते थे, घुमाए जाते थे गोलाई में डाल के उनके ऊपर ही। हाँ, तो वो टूट जाता था, अनाज अलग हो जाता था, वो फिर उन्हें किसी छाज, अब तू कहेगा छाज किसे कहते हैं, फिर छाज की सहायता से जी उसे हिला हिला के जब हवा चलती थी जी, फिर उसे अलग अलग किया जाता था। तो अरे पहले बहुत कष्ट की खेती थी जी। तो ये एक यादगार पल है, गजब है ना। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि आपने झूठा भी कुछ चलाया। यस, मैंने चलाया है, खूब चलाया है, सब जानता हूँ। ये एक यादगार पल था हमारा। हाँ जी। और एक चीज है, चलो बात हुई है तो मैं एक चीज और बताता हूँ। जी बिल्कुल बताइए। पहले जो शादियां होती थी। हाँ जी। गांव में होती थी शादियां ज्यादातर, शादी अब शहरों में ज्यादातर होती है, पहले शहर में कम होती थी, गांव में ज्यादा होती थी। पहले तो लड़कियों को अपने घर से ही विदा किया जाता था। जब लड़की की शादी होती थी जी, तो क्या होता था, दूध वगैरह खरीदना नहीं पड़ता था, दूध गांव के लोग ना, पूरे गांव के लोग जो है जी, अपने घर से दूध निकाल के, और एक टाइम का, दो टाइम का दूध जो है जिसके यहाँ शादी होती थी उसके यहाँ खुद ही दे आते थे डब्बा भर के, अपने आप ही। हाँ, कोई पैसा नहीं, कोई नहीं, कोई पैसा नहीं, वो मांगना नहीं पड़ता था, वो तो खुद ही जिम्मेदारी समझते थे, भाई वो हमारी, उसकी लड़की की शादी है, वो हमारी लड़की जी, और आज दूध जाएगा। अरे यहाँ तक नहीं, त्योहार वगैरह पर अगर किसके यहाँ दूध नहीं होता था तो मावा बना के दे देते थे ऐसे ही, या दूध पहुँचा दे देते
अपने घरों से? हाँ फ्री, पूरे गांव में ही? हाँ, लोग जिसका नहीं होता। अच्छी बात थी, सहयोग था जी। शादियों में आपको रजाई वगैरह, खाट वगैरह बैठने के लिए किराए पे नहीं, टेंट वगैरह से नहीं आती थी, सब गांव से इकट्ठी हो जाती थी, घर घर में से। हाँ कोई वेटर वगैरह नहीं था जी। गांव के जितने भी लोग होते थे, समझे नहीं, बड़े बुजुर्ग तो मेहमानों को क्या भगत में रहते थे जी। और जो थोड़ा जवान होते थे वो उनकी सेवा में रहते थे, खाना खिलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई सफाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये पहले वक्त का मैंने तुम्हें एक छोटी सी झलक दिखाई। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे पल थे पहले के। और मैं, जो मेरी बात मेरे साथ के लोग सुन रहे हैं जी, वो बताएंगे कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। और जो मेरी एज के लड़के हैं उन्हें एक ऐसा अजीब सा लगेगा। अजीब सा लगेगा, लेकिन मैं, मेरा भी क्वेश्चन है कि आप भी बताना, आप पुराने माहौल में जाना चाहते हो या नहीं?